अच्छा अंकल ये बताओ, जो ये बीहड़ हैं हाँ जो डाकू वगैरह रहते थे बहुत सारे, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में, इस जो चंबल है हाँ इसने बहुत सारे डाकुओं को पनाह दी है हाँ आज से लगभग 50-60 साल के अंदर। हाँ हालांकि अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, क्या हाँ कभी आप ऐसे कोई डाकू या कोई ऐसे बागी से मिले हो? वो क्या है, उस समय मानसिंह के जमाने की बात है, उस हाँ समय हमारा मानसिंह। पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ अच्छा उस समय जो है हाथी घोड़ा जो है ऊँट पे और घोड़े पे सवारी होती थी। वो किसी को लेटते नहीं, उनका उनका मकसद ये था कि मेरे को जो है किसी पे 10 पैसे तो 5 ले लो, 5 खर्चो खराब तो, और जगह किसी ना। बहु बुढ़िया से भी बोलते थे, अच्छा उसकी रक्षा करते थे, वो उनका काम था। इसीलिए वो हाथी घोड़े और ऊँट पे मतलब जो है चलते थे। आज क्यों नहीं चलते, वो अच्छा अच्छा पहले के जमाने अलग था। वो किसी आदमी से लेते थे, मांग होती थी, वो अपने आप पैसा पहुंच जाता था। अच्छा वो किसी हाँ गांव में बताते थे कि हमको इतना चाहिए हाँ तो उनको या चाहिए। अच्छा वो खुद वो चिट्ठी भी आ जाती थी, वही जहाँ चिट्ठी। मेन जगह है वहीं चिट्ठी पहुंच जाती थी, और हाँ वो अपना पेमेंट पहुंच जाता था, बस चलो किस्सा खत्म हो गया। हाँ अच्छा। उतनी लेते थे जाए वो अपना परेशान ना हो। ऐसा कहा जाता है जो ये चंबल के जितने बीहड़ हैं, जो भी इसमें पनाह करते थे जितने भी डाकू, वो रात में ज्यादातर निकलते थे, दिन में छुपे बैठे रहते थे, ऐसा? नहीं पहले के जमाने के तो मतलब जो है दिन और रात को कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा हाँ क्योंकि वो तो मतलब जो है शुद्ध चलते थे, कोई परेशानी नहीं करते थे किसी, तो फिर फायदा क्या, उसको पुलिस भी नहीं मतलब कर पाती, और वो उसको जनता जो है रक्षा करती थी। हाँ क्योंकि जनता की भल अच्छा वो सल्यूट होता था उनका, इसलिए उनकी और सहायता सहयोग देते थे, और इसीलिए वो सरसब्ज रहते थे। आज की जो है आज के युग में ये है कि मारो लूटो धोखा धड़ाकी करके लूट लो, तो वो आज के पकड़े जाते हैं। जितने भी डाकू रहते थे वो घोड़े वोड़े पे सवार होके इसमें घूमा करते थे बीहड़ में, या फिर पैदल ही घूमते थे? नहीं घोड़े से, घोड़े अच्छा और घोड़े उससे और पैदल। मैं घोड़े और ऊँट, डांक होती थी मेरे पास, डांक अच्छा डांक होती है मतलब ऊँट की एक सवारी होती है, मतलब जो है पतले साइड की होती है और दौड़ भागने में तेज होती है, वही जो है डांक से वो सवारी करते थे। और उनके साथ में एक गौ का गौ रखते थे, जैसे किसी पे चढ़ना तो गौ को फेंक देते तो चढ़ जाते अच्छा जो एक जान वो होती है गुआ। थे। हाँ हाँ गुआ जिसे होती है, रस्सी बांध के फेंक हाँ दिया फेंक और वो दिया, चपक जाती हाँ होगी वो चपक जाती है, उससे चढ़ जाते थे। मकान अकान में, जब हाँ कभी हाँ गांव जैसे में। बड़े कोई बिल्डिंग है उस पे ये अच्छा करते अच्छा अच्छा अंकल, आप कभी किसी डाकू को रूप आमने सामने मिले हैं? कभी देखा है, या पुलिस वुलिस पकड़ के ले गई हो जब देखा हो? थे। पुलिस पकड़ के तो न ले गई, मगर एक बार हादसा मेरे से हुआ था। अच्छा हाँ वहाँ ले गई पुलिस, हम लोग जंगल में गए, इधर बिंडे का बैल है, हम और एक और साथी था, पशुओं को चारा लेने गए, वहाँ पर जो है वो मिले मिले वो उनका खाना बन रहा था। खाना बनने के बाद उन्होंने जो है बिठा लिया, वो तो निकलेगा, वो दूसरा जो सदस्य था हम का हमारा साथी, उसको पकड़ लिया। क्योंकि क्यों पकड़ लिया, ये अभी अभी की बात है, ज़्यादा ज़्यादा 20 साल पहले की बात, 20-25 साल पहले की अच्छा बात, अच्छा 25-30 साल पहले की बात है। हाँ तब डाकू वैसे थे, तो अच्छा वहाँ उनका खाना बनना उन्होंने बैठा ली, वो मतलब किसी को परेशान नहीं करते थे, अच्छा खाना बनाया बढ़िया रोटी खाए, संजा को बने रात को जो छोड़ दिया पर जाइए। हाँ और बढ़िया खाना खिलाया हमने और अच्छा अच्छी तरह रखा उसको और अच्छा वापिस छोड़ दिया। उन्हें क्या मतलब था भाई, वो तो वो अपने वो डाकू ही अपने उद्देश्य से चलते हैं। अगर इसको कोई कोई ट्रेस होती है या लड़ाई झड़ाई पहले की, उसके हिसाब से भी डाकू बनते अच्छा जैसे कि मतलब अच्छे। जैसे कभी आपसी में दुश्मनी हो गई और उसका बदला नहीं ले पाए हाँ तो सीधा चंबल चले गए हाँ और हाँ डाकू बन गए हाँ और अपनी गैंग बना के फिर हाँ उससे ही हाँ बदला लेते थे हाँ और बाकी किसी को परेशान नहीं हाँ करते जैसे थे। मलखान, हाँ मलखान से जो है उनको परेशान किया, उनके पूरे परिस्थिति परेशान, खेती वेती सब ले ली, हाँ ब्राह्मण आखिर को उसको मार ही दिया हाँ बैंड में, तब वो जाकर अपना हाजिर हुआ। अच्छा अंकल, कितने डाकुओं के बारे में आप सुना है यहाँ पर? पुराने तो बहुत हैं, जैसे मलखान सिंह है, मलखान सिंह तो खैर अवे के मतलब जो हमारे समय के, उसके मान सिंह वगैरह ये सब जो है, और ये क्या नाम है, ये 2-3-4 पहले के थे। हाँ अच्छा वही डाकू पान थे, सिंह का पान सुना नाम? सिंह पान सिंह तोमर, भेड़ौसा वाले। अच्छा भड़ौसा वाले, यहाँ नहीं मतलब यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ पे कौन कौन रहता था? गुज्जर का गैंग था कोई? गुज्जर का बने जाना आता ही नहीं है। हाँ अच्छा आया ही नहीं है यहाँ पे। कौन कौन से गैंग यहाँ सक्रिय रहे इस एरिया में? यहाँ रहा मलखान का गैंग, हाँ यहाँ रहा मानसिंह गैंग, हाँ यहाँ रहा जो है यहाँ के मतलब जो है थोड़ा था जो है यहाँ अतिरिक्त यादव हैं, हाँ उनका था एक, अच्छा ये तीन चार अच्छा गैंग किसी हैं।
मतलब ऐसे गांव के किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करते थे, इसीलिए गांव वाले सपोर्ट भी करते थे। अच्छा अभी भी अभी कैसा माहौल है यहाँ का? अब तो सब कोई माहौल अब खत्म ही हो गया, अब तो माहौल वो हो गया है तो चक्कू मारो खींच लो जबरदस्ती खींच लो। अच्छा अब वो माहौल हो गया, अब चोरी चपाटी का डकैत का कोई नाम ही नहीं रहा। जैसे अंकल इधर अब अभी तो हम लोग दिन में आए हैं, अगर रात में अगर इधर से निकले कभी जाएं अकेले पैदल वैदल तो ऐसी कोई दिक्कत? हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये है अगर पैदल अगर किसी को परेशान किया तो गांव वालों को पता पड़ेगा तो बचता नहीं है। अच्छा हाँ मार दिया जाता है। अच्छा गांव वाले मारते हैं उसे? हाँ मार देते हैं, साफ कर देते हैं, ऐसे दो चार केस है। अच्छा हाँ जैसे किसी किसी को परेशान किया, जैसे कोई जैसे मैं बाहर से जैसे मैं आपको सपोर्ट दिया सहयोग दिया आपने उसने गलत किया या किसी को बहन बेटी को छेड़ा तो खत्म कर देंगे उसको। अच्छा उसको बचेगा नहीं, ये सही है क्योंकि किसी बहन बेटी के साथ गलत करना, यहाँ कोई भी बहन बेटी नहीं अभी तक, अभी कोई मतलब जो छोटे मोटे हैं वो कर लेते नहीं आज तक, किसी बहन बेटी मतलब जो खूब चली जाए मर किसी बोलेगा नहीं कोई। अच्छा कोई बोलेगा नहीं? हाँ ये सही है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए जैसे हम बाहर से आए, जैसे हम मान के चलो हमें कोई मिल जाए, जैसे हमसे कोई जैसे हमारा कैमरा मोबाइल वोबाइल कोई छीन ले ऐसा कुछ? अब जैसे नहीं कोई नहीं, हाँ वो तो बस छोटा मोटा बस मतलब वो तो होता ही है, वो तो आज के जमाने में है, आज के जमाने में वही है हर जगह, तो मतलब मिला थोड़ा बस मोबाइल छीन लिया कुछ कर लिया जित यही है, और उसका पता नहीं पड़ता। और जो है बहू बिटिया छोड़े तो वो तो क्लियर हो जाती है, उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा दादा अब भी जो है गाँवों से कितनी रात तक लोग निकलते हैं? मतलब कितनी देर तक निकलते हैं रात में? रात को यहाँ जो है रात को जो है आर खेत वाले 10 से 11 बजे तक निकलते हैं, हाल खेत वाले निकलते। अच्छा पहले डाकुओं का समय में कितने समय तक निकलते थे? तब कोई वो तो निकलने में बिना कोई परेशानी जरिया ही नहीं था, वो किसी आम आदमी को परेशान नहीं करते थे भाई, वो तो निकलते वो तो उनके बनते ही अगर जो है दोस्ती वो रखेंगे तो रहेंगे कहाँ। अच्छा दादा डाकुओं को जानते हो आप, नाम बताइए। नाम तो पुराना मान सिंह थे, मान सिंह और जी है हाजुर भाई का नाम है मलखान। हाँ जी हाजुर भाई थे। अच्छा भिंड में जो मलखान थे वो हाजिर हो गए थे। बताते हैं मलखान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली डाकू हुआ करते थे। उनकी जो है तुत्ती बोलती थी इलाके में। हाँ 70 आदमी थे उनकी गैंग में, 70 आदमी थे। अच्छा जब डाकू यहाँ रहा करते थे तो लगभग आपके कितने बड़े थे आप? तब होंगे हमें 20-22 साल के। 20-22 साल के? हाँ अब तो हमारी 82 साल की उम्र है। 82 साल की उम्र है। अच्छा अब भेड़ में यूँ चराए रहे और बे जो है आए कड़े गए चले गए। अच्छा तो मतलब पैदल ही रहते थे यहाँ के जो डाकू लोग थे या घोड़ा वोड़ा रखते थे? नहीं घोड़ा नहीं, पैदल पैदल सब। अच्छा पुलिस वुलिस आ जाती होगी तो झाड़ियों में घुस जाते होंगे है ना? लेडीज भी शायद सुना है, बहुत सारी महिलाएं भी डाकू थी। हाँ थी एक थी, क्या नाम था उनका? कमला। कमला हाँ याद आया, कमला बहुत बड़ी डाकू थी ना। उनकी गैंग में लगभग कितने लोग थे? उनकी गैंग में तो दो ही थे, रामबाबू कमला। रामबाबू कमला हाँ दो ही रहते। अच्छा जमोरा के हार में परे पुलिस ने छाप ले गए थे। अच्छा पुलिस ने छाप लिया था। हाँ तो सताया नहीं है। अच्छा गरीबों को नहीं सताते थे? नहीं। अच्छा हाँ गरीबों को कतई नहीं सताता है, दुश्मन का लड़का मिल गया हो लड़की लिवा के ले आ रहो तो फिर बहन भैया दो डरपे तो उन्हें कह दिया कि डरपो मत, तुमसे थोड़ी हमारा बैर है, हमारे पिता से बैर है। अच्छा मतलब जिस जिनसे उनका बैर होता था सिर्फ उनसे ही बोल मतलब बदला लेते थे, बाकी उसके परिवार या बाहर के किसी लोग से कुछ नहीं करते? नहीं किसी। अच्छा तो बताते हैं डाकू जो रहते थे वो बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि कोई जंगल में बीहड़ में माता बहन मिल जाती तो बाकायदा उसके पैर वैर छुआ करते थे और उसकी इज्जत करते थे है ना, गलत नजर से बिल्कुल नहीं देखते। नहीं नहीं अरे इन बीहड़ों में जो डाकू रहते थे खाते पीते क्या थे? खाना पीना संग था उनके। खाना पीना संग ही रखते थे मतलब गांव जैसे उनके अपने गांव से या मतलब दूसरे गांव से ले लेते होंगे, मांग लेते होंगे है ना। अच्छा